बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। डीपीएन टीवी से मैं हूँ अक्सासकर। आइए नज़र डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। आईएमएफ से कर्ज ना मिलने पर बड़े फैसले किए जाएं, नवाज शरीफ की पार्टी को हदायत। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने अपनी जमात को हदायत की है कि आईएमएफ से कर्ज ना मिलने पर बड़े फैसले किए जाएं। पिछली हुकूमत का मलबा हम क्यों अपने सर लें। तफसीलात के मुताबिक मुस्लिम लीग नून का अहम मुशावरती इजलास इस्लामाबाद में मुनक्किद हुआ, जिसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल, तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च और कबल अज वक्त इंतखाबात पर मुशावरत की गई। इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत नून लीग की आला क़यादत मौजूद थी, जबकि पार्टी कायद मियां नवाज शरीफ ने वीडियो लिंक के ज़रिए इजलास में शिरकत की। पार्टी ज़राए के मुताबिक इजलास में आईएमएफ से होने वाले मुज़ाकरात पर मुशावरत की गई। इजलास में नवाज शरीफ ने मशवरा दिया कि अगर आईएमएफ से अवामी रिलीफ पैकेज नहीं मिलता तो बड़े फैसले किए जाएँ। पिछली हुकूमत का मलबा हम क्यों अपने सर लें। नवाज शरीफ ने हदायत दी कि मुल्क को इंतशार करने वालों के रहमो करम पर ना छोड़ा जाए। लॉन्ग मार्च का शोर आईएमएफ से मुज़ाकरात को मुतासिर करने के लिए मचाया गया। लॉन्ग मार्च के खिलाफ हिकमत अमली पर इत्तेहादियों को मुकम्मल एतमाद में लिया जाए और हर फैसले में आसिफ जरदारी को साथ रखा जाए।